शुरुआती रुझानों में भाजपा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस तेलंगाना में आगे है। सुबह वोटों की गिनती से पहले कांग्रेस ने दिल्ली से लेकर भोपाल तक जमकर पटाखे फोड़े और जश्न मनाया, लेकिन रुझानों का ट्रेंड पार्टी के लिए उल्टे पड़े और तीन राज्य में भाजपा की बढ़त के बाद अब पार्टी ने जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक शाम 5 बजे से भाजपा मुख्यालय में जश्न शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6:30 बजे भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि यहां पहुंचकर पीएम मोदी भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में 54 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में 90 सीटों के रुझानों में बीजेपी इस समय 54 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस कुल 35 सीटों पर आगे है, अन्य को 1 सीट पर लीड मिली है। इस तरह बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है। ऑपी चौधरी 18,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। रायगढ़ विधानसभा से ऑपी चौधरी 18,082 वोट से आगे हैं। छत्तीसगढ़ के 2005 बैच के IAS ऑपी चौधरी अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति में आए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को भोपाल के स्मार्ट पार्क में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा रुझान पीएम मोदी के सार्थक रैलियों और उनकी अपील का परिणाम है। आगे कहा कि डबल इंजन सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं को ठीक से लागू किया और यहां जो योजनाएं बनी हैं उन्होंने लोगों के दिलों को भी छुआ है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी बढ़त की ओर नजर आ रही है, वहां पर कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो राजस्थान भी चर्चिता नहीं रहा। इस बार कांग्रेस को पछाड़ते हुए राजस्थान में बीजेपी अपनी पाव जमाती हुई नजर आ रही है। तो वही बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो शुरुआत में कांग्रेस बहुमत की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे करते हुए बीजेपी बढ़त की ओर छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। ये रुझान अभी तक के सामने आ रहे हैं। और तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना में कांग्रेस बढ़त की ओर नजर आ रही है बीजेपी को पछाड़ते हुए। एक बार रुझान में आप लोगों को बताना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ के रुझानों की बात करेंगे, 90 सीटों में से 90 जो रुझान आए हैं उनमें से कांग्रेस 33 सीट पर, बीजेपी 55 पर और अन्य 2 सीटों पर बनी हुई है। और राजस्थान की बात की जाए 199 सीटों के जो रुझान आए हैं उसमें बीजेपी 108 पर, कांग्रेस 73 पर और अन्य 15 सीटों पर बनी हुई है। और वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए जहां पर दोबारा से जनता ने एक बार फिर कमल खिलाने का दावा साबित कर दिया है। जो उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी जीतेगी, ये दावे किए जा रहे थे, हर पार्टी अपने अपनी सीट के दावे कर रही थी, लेकिन यहां पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। 230 सीटों के जो रुझान है उसमें कांग्रेस 67 पर और बीजेपी 161 पर नजर आ रही है और अन्य 2 पर नजर आ रही है। आपको बता दें राजस्थान की 9 सीटों के नतीजे भी सामने आ गए हैं। और आपको बताना चाहेंगे छत्तीसगढ़ में बीजेपी बढ़त की ओर नजर आ रही है, बड़ा उलटफेर यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। इस चर्चा में कुछ नाम प्रमुख तौर पर भी सामने आए। पहला नाम 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे का है, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। लिस्ट में प्रिया कुमारी भी है, लिस्ट में भूपेंद्र यादव, ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्विनी वैष्णव सांसद बालकनाथ के नाम चर्चा में है। राजस्थान में भाजपा का खाता खुल चुका है। आपको बता दें ये बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने है, राजस्थान में भाजपा का खाता खुल चुका है। भाजपा ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो रांची से बीएपी राजकुमार जीते हैं। रुझानों में भाजपा को 2/3 बहुमत मिला है, ये मध्य प्रदेश से मिला है। आपको बताना चाहेंगे रुझान में 3 राज्य में बीजेपी को बहुमत मिला है। झालरा पाटन से वसुंधरा राजे की जीत हुई है और बीजेपी की नीतियों की जीत, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है बीजेपी की नीतियों की जीत हुई है। 3 राज्यों में बीजेपी बड़े अंतर से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बढ़त की ओर बीजेपी नजर आ रही है। विराटनगर भाजपा के कुलदीप धनखड़ जीते हैं। बहरोड से बीजेपी के जसवंत यादव जीत की ओर नजर आ रहे हैं। पिंडवाड़ा आबू से बीजेपी के समाराम जीते हैं और दुदू से बीजेपी के प्रेमचंद बैरवा जीते हैं। चौरासी से बात करें तो बीएपी राजकुमार जीते हैं। अलवर शहर से बीजेपी के संजय शर्मा जीते हैं। राजस्थान की 9 सीटों के नतीजे सामने आए हैं। ये बड़ा अपडेट आप लोग देख रहे हैं किस तरह से राजस्थान में कांग्रेस को पछाड़ते हुए बीजेपी अपने पांव जमाती हुई नजर आ रही है। कमल खिलता हुआ राजस्थान में नजर आ रहा है, जीत का जश्न वहां पर शुरू हो गया। पीएम जो कहते हैं वो करते हैं, कहना है जितेंद्र का। राजस्थानी टॉन्ग से सचिन पायलट आगे बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी की गारंटी की सफलता ये बताई जा रही है। आपको बताना चाहेंगे राजस्थान में गहलोत का जादू नहीं चला है, यहाँ पर पीएम मोदी का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। रुझानों को देखते हुए ही जश्न मनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ढोल की थाप पर लोग नाचते हुए नजर आए, गाते हुए नजर आए और अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आए हैं। तो वहीं जहाँ पर
छत्तीसगढ़ में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा था तो बीजेपी अब बढ़ती और बढ़ती नजर आ रही है और तेलंगाना में कांग्रेस शुरू से ही अपने पांव जमाए है। आपको बता दें 64 सीट पर कांग्रेस यहां पर बनी हुई है और वहीं राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में बीजेपी 108 सीट पर नजर आ रही है और कांग्रेस 76 सीट पर और अन्य 15 पर। ये बड़ा अपडेट आप लोगों के सामने है। आप देख सकते हैं किस तरह से कमल का फूल मध्य प्रदेश में एक बार फिर खिलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर जनता ने पीएम मोदी पर सीएम शिवराज पर विश्वास जताया किस तरह से वहां की जनता ने कुछ जश्न की तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे जो कि राजस्थान से हैं। जश्न की तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं जहां पर जीत की खुशी का इजहार यहां पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी है, लोगों की भीड़ जुटी है ये देखने के लिए कि क्या किस तरह से यहां पर खुशी का माहौल है। वहां पर खुशी का माहौल अलग ही नजर आ रहा है। काफी भीड़ यहां पर जुटी है, पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद है कि किसी भी तरह की कोई घटना यहां पर ना हो, पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी भी हुई है। वहां पर दिल्ली में ये नारेबाजी हुई है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी हुई है। चुनाव के नतीजे धीरे धीरे साफ हो रहे हैं, इसमें कांग्रेस की सड़ती दिख रही है और इस बीच दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर ईवीएम के खिलाफ नारेबाजी तेज हो गई है। ये बड़ी अपडेट, राजस्थान में जीत का जश्न मनना शुरू हो गया है। नतीजे आप लोगों के सामने कुछ ही देर में आने वाले हैं लेकिन रुझानों को देखते हुए खुशी का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। किस तरह से रुझान जो सामने आए हैं उससे कार्यकर्ता गदगद नजर आ रहे हैं। कहीं पर कांग्रेस तो कहीं पर बीजेपी, दोनों कांटे की टक्कर में नजर आ रहे थे लेकिन अब तीन राज्यों में बीजेपी बनती हुई नजर आ रही है तो एक में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जश्न मनाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे वसुंधरा राजे जीत चुकी हैं और लिस्ट में दिया कुमारी भी है और भूपेंद्र यादव, ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव और सांसद बालकनाथ के नाम भी हैं इनमें। और साथ ही आपको बता दें मध्य प्रदेश की वीआईपी सीटों पर कौन जीत रहा है। शिवराज सिंह चौहान सीएम बुधनी से आगे, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री दतिया से पीछे हैं, विश्वास सारंग स्वास्थ्य मंत्री नरेला से पीछे हैं तो वहीं कमलनाथ पूर्व सीएम छिंदवाड़ा से आगे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री भीमनी से आगे हैं, फगन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री निवास से पीछे हैं, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री नरसिंहपुर से आगे हैं, गणेश सिंह सांसद सतना से आगे हैं, रुचि पाठक सीधी से आगे हैं। ये वो वीआईपी हैं जो अपनी सीट पर आके और पीछे चल रहे हैं, जो जीत के दावे भी कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में भी बहुमत के पार बीजेपी नजर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे भरतपुर की सीट पर भी वहां पर कई लोग आगे, कहीं पर भाजपा आगे तो कहीं पर कांग्रेस आगे चल रही है लेकिन आपको बताना चाहेंगे छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपने पैर पसारती नजर आ रही है कांग्रेस को पछाड़ते हुए। राजस्थान में बीजेपी 108 पर बनी हुई है और कांग्रेस 76 पर और अन्य 15 पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से दूरी से बीजेपी के प्रेमचंद बैरवा जीते हैं। ये बड़ा अपडेट आप लोगों के सामने है। राजस्थान में बीजेपी का खाता खुल चुका है, जीत के नतीजे सामने आने लगे हैं। 84 से बीएपी राजकुमार जीते हैं और ये बड़ा अपडेट आप लोगों के सामने है। तेलंगाना से कांग्रेस जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अलवर शहर से बीजेपी के संजय शर्मा जीते हैं और आपको बताना चाहेंगे राजस्थान की 9 सीटों के नतीजे आए हैं। यहाँ पर जितेंद्र का कहना है कि पीएम जो कहते हैं वो करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कमलनाथ शाम 6 बजे दिल्ली मुख्यालय पर पीएम मोदी आ सकते हैं, वो यहाँ पर संबोधित करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे पीएम जो कहते हैं वो करते हैं, जितेंद्र का ये कहना है। राजस्थानी टॉप से सचिन पायलट आगे बताए जा रहे हैं। राजस्थान टॉप से पीएम मोदी की गारंटी की सफलता यहाँ पर बताई जा रही है। जो कुछ गारंटी दी गई है उसको लेकर जनता ने वोट किया है। आपको बता दें हर बार बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और वो जनता के लिए कितने पूरे होते हैं वो जनता को पता होगा, जिसके बाद जनता ने अपनी वोटिंग की और अपना नेता चुनना चाहा। जिस तरह से राजस्थान में कमल खिलने की उम्मीद जताई जा रही है और वहाँ पर कांग्रेस का पत्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी जमती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस का पत्ता वहाँ भी कटता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 67 सीट पर
कांग्रेस है और बीजेपी 161 सीट पर बनी हुई है और तेलंगाना में कांग्रेस 64 सीट पर बनी हुई है। आपको बताना चाहेंगे राजस्थान बीजेपी में इस बीच चर्चा है कि सीएम चेहरे को लेकर ये चर्चा भी होने लगी है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। चुनाव के नतीजे धीरे धीरे साफ हो रहे हैं। सीएम के चेहरे को लेकर भी बातें सामने आने लगी हैं। राजस्थान में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो या छत्तीसगढ़ में हो, ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी भी देखने को मिली है। आपको बता दें ये नारेबाजी दिल्ली में हुई है जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। ईवीएम मशीन को लेकर ये नारेबाजी की गई है। ग्वालियर जिले में भी बीजेपी आ गया। कमलनाथ ने क्लेश पर अमर्यादित बयान दिया इसलिए हारी कांग्रेस। सपा प्रवक्ता मनोज आपको बता दें कमलनाथ ने अखिलेश यादव पर अमर्यादित बयान दिया है। बयानबाजी का दौर भी इस दौरान शुरू हो चुका है। हार जीत के बीच बयानबाजी भी लगातार जारी है। आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है उसी तरह से वहां पर आपको बता दें बीजेपी का कमल का फूल खिलता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में भी कमल का फूल खिलता हुआ नजर आ रहा है और मध्य प्रदेश में भी कमल का फूल खिलता हुआ नजर आ रहा है। रही बात तेलंगाना की तो वहां पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। एक हजार 452 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं राजनाथ गांव से बीजेपी नेता डॉक्टर रमन सिंह 17,540 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुल 16 राउंड की मतगणना हो रही है जिसमें से 5 राउंड की काउंटिंग हो गई है। आप तस्वीरें देख रहे हैं स्वच्छ राजस्थान की जहां पर काफी कार्यकर्ता और लोग इकट्ठा हैं और वहां पर तैयारी की जा रही है जश्न मनाने की और कई जगहों पर जश्न मनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता और उप मुख्यमंत्री पीएस सिंहदेव 366 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये जश्न की तस्वीरें आप एक बार देखिए किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। जताकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। काफी आतिशबाजी की जा रही है। लोगों में खुशी मनाई जा रही है। जश्न का माहौल आप देख सकते हैं। महिला कार्यकर्ताएं किस तरह से नाच गाकर खुशी का इजहार कर रही हैं। एक बड़ा अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। मध्य प्रदेश के काला पीपल से पहला नतीजा सामने आया है जहां पर 5 राज्य के विधानसभा चुनावों में सबसे पहला नतीजा मध्य प्रदेश के शाजापुर की काला पीपल विधानसभा सीट पर आया। यहां बीजेपी ने कांग्रेस को पटकनी दे दी है। आपको बताना चाहेंगे आप तो कोई मतगणना के मुताबिक बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम चित्र
वंशी ने कांग्रेस के उम्मीदवार कुणाल चौधरी को शिकस्त दे दी है। ये बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं इस वक्त। मध्य प्रदेश से 2018 में काला पीपल विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। निवर्तमान विधायक और कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने 2018 में बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल वर्मा को चुनावी मैदान में पिछाड़ दिया था। कांग्रेस प्रत्याशी कुणाल चौधरी ने 8.4% वोट मार्जिन से जीत हासिल की थी। 2018 में काला पीपल विधानसभा में कुल 84.5% वोटिंग हुई थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में 85.3% वोट पड़े थे। आपको बता दें ये बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं। सभी वर्गों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या लेना जरूरी है। तो वहीं आपको जानकारी देना चाहेंगे इंदौर 1 से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को अब तक 44,436 वोट मिले हैं। कांग्रेस के संजय शुक्ला को 20,679 वोट मिले हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इंदौर 1 से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को अब तक 44,436 वोट मिले हैं। कांग्रेस के संजय शुक्ला को 20,679 वोट मिले हैं। और बात की जाए सतना की तो सतना से बीजेपी के सांसद गणेश सिंह को अब तक 12,370 वोट मिले हैं और कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा को 11,000 वोट मिले हैं। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह को अब तक 48,636 वोट मिले हैं। तरुण भनोट को 33,186 वोट मिले हैं। वहीं हम बात करना चाहेंगे नरसिंहपुर की तो नरसिंहपुर से बीजेपी के प्रहलाद पटेल को अब तक 28,808 वोट मिले हैं। कांग्रेस के लखन सिंह को पटेल को 20,725 वोट मिले हैं। दिमनी की अगर बात की जाए तो दिमनी से बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर को अब तक 22,813 वोट मिले हैं। बसपा के गिरिराज दंडोतिया को 21,187 वोट मिले हैं। ये बड़ी अपडेट हम आप लोगों को बता रहे हैं वोटिंग की कि कहां पर किसको कितने वोट मिले हैं। मंडला के निवास सीट से बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते को अब तक 38,866 वोट मिले हैं। कांग्रेस की चैन सिंह वरकरे को 46,305 वोट मिले हैं। यहाँ कांग्रेस 7400 से ज्यादा वोटों से आगे है। गाडरवारा से बीजेपी के राव उदय प्रताप सिंह को अब तक 35,266 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस की सुनीता पटेल को 16,089 वोट मिले हैं। और बात की जाए सीधी की तो सीधी से बीजेपी की रीति पाठक को अब तक 8,986 वोट मिले हैं। कांग्रेस के ज्ञान सिंह को 6,148 वोट मिले हैं। बुधनी से बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान को 70,453 वोट मिले हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के विक्रम मस्ताल को 19,457 वोट मिले हैं। वैराग्यानंद उर्फ मिर्ची बाबा को 55 वोट मिले हैं। ये बड़ा अपडेट हम वोटिंग को लेकर आप लोगों को बता रहे हैं। ये जानकारी आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। पल पल के अपडेट हम आप लोगों को दे रहे हैं कहां पर किसको कितने वोट मिले हैं। जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। दतिया की बात की जाए तो दतिया से नरोत्तम मिश्रा पीछे हैं। यहां कांग्रेस के राजेंद्र भारती को अब तक 15,348 वोट मिले हैं और नरोत्तम को 13,105 वोट मिले हैं। वहीं सांवेर की बात की जाए तो सांवेर से बीजेपी तुलसी सिलावट को अब तक 35,096 वोट मिले हैं। कांग्रेस की रीना बोरासी से आपको बताते चले 22,470 वोट उन्हें मिले हैं। ये बड़ा अपडेट आप लोग देख रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस जमती हुई नजर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे सुबह जिस तरह से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा था कि कांग्रेस अपने पांव जमाती नजर आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से आंकड़े बढ़ते गए, रुझान बढ़ता गया,
तो बीजेपी वहां पर जमती हुई नजर आ रही है। और वहीं राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में शुरू से ही बीजेपी की तरफ रुझान देखने को मिला है और शुरू से ही बीजेपी बढ़त की ओर बनी हुई है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रुझान बताना चाहूंगी छत्तीसगढ़ की ओर हम पहले बढ़ते हैं। सबसे पहले 90 सीटों पर जो 90 रुझान आए हैं उनकी बात करते हैं। कांग्रेस 33 सीट पर है और बीजेपी 55 पर और अन्य 2 पर। और राजस्थान की बात करें तो बीजेपी 108 पर बनी हुई है और कांग्रेस 76 पर और अन्य 15 पर बनी हुई है। ये अपडेट आप लोगों के सामने है, आप अपनी स्क्रीन पे ये अपडेट देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर चुनाव जो थे वो हुए हैं और उनका रुझान जो सामने है वो कांग्रेस 67 पर है और बीजेपी 161 पर और अन्य 2 पर नजर आ रही है। ये बड़ा अपडेट आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हैं किस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी का कमल का फूल खिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नतीजे आने अभी बाकी हैं, रुझानों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है। जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है, कार्यकर्ता आतिशबाजी करके खुशी मना रहे हैं तो कहीं पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मना रहे हैं। ये खुशी मनाना रुझान आने से पहले ही शुरू हो गया था, बधाई देना भी तभी से शुरू हो गया था, लेकिन रुझानों का इंतजार करते हुए खुशी मनाना भी शुरू कर दिया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से रुझान आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं किस तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कमल का फूल खिलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार पर भरोसा जताया, एक मौका और उन्हें दिया है। जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन अब की बार बीजेपी की सरकार वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ वादे किए गए थे, क्या वो वादे पूरे होंगे या नहीं होंगे, वो बड़ा सवाल है। लेकिन जनता बीजेपी को बनाती हुई यहां पर नजर आ रही है। जो रुझान थे वो इस वक्त क्लियर हो ही चुके हैं, लेकिन फिर भी नतीजों का इंतजार लगातार किया जा रहा है। नतीजे भी आप लोगों तक हम पहुँचाएंगे और तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और रुझानों को देखते रहिए लगातार। बुधनी से बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान को 17,453 वोट मिले हैं, ये जानकारी आप लोगों को बताई जा रही है। इंदौर 1 से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को अब तक कई वोट मिल चुके हैं। कांग्रेस के संजय शुक्ला को 20,679 वोट मिले हैं। सतना से बीजेपी के सांसद गणेश सिंह को अब तक 12,370 वोट मिले हैं। कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा को 11,000 वोट, ये वोटिंग से मिली जानकारी आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह को अब तक 48,636 वोट मिले हैं। तरुण भनोट को 33,186 वोट मिले हैं। इस बार की जीत यादगार जीत होने वाली है। आप देख सकते हैं 3 राज्यों में बीजेपी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। पहला नतीजा सामने आया जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस को पटखनी दी है, वहां पर बीजेपी की जीत होती हुई नजर आई है। बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम चंद्रवंशी ने कांग्रेस के उम्मीदवार कुणाल चौधरी को शिकस्त दी है। काला पीपल से ये बड़ा अपडेट आप लोगों के सामने है, जहां पर बीजेपी की जीत होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं राजस्थान में भी जीत का खाता बीजेपी की तरफ से खुल चुका है। Yeah.